हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और इस चैप्टर में अभी तक हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वर्क की और वर्क से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट प्रोसेस के लिए फॉर्मूले थे वो हमने बताए थे आपको, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए, तो उनको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स और वर्क के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की, ठीक है, उसके बाद हम आगे थ्योरी को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नोट करिएगा कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। द वर्क डन इन एन ओपन वेसल एट 300 केल्विन व्हेन 56 ग्राम आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl इज, आपको वर्क डन बताना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं W इक्वल टू, आपको निकालना है टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, 300 केल्विन। आपको वेट गिवन है आयरन का जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे W इक्वल टू वेट है जो हमारे पास 56 ग्राम है, आपको वर्क डन निकालना है, ठीक। तो वर्क के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ठीक है ना। सभी देखो वर्क पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वर्क लेना है, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। तो प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए, जबकि आपको प्रेशर और वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो हम जानते हैं एक इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, और P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V को मैं लिख सकता हूं डेल्टा nRT, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है, R भी कॉन्स्टेंट होता है, तो डेल्टा ला देंगे n के सामने, तो P इंटू डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा nRT। तो हम वर्क की जगह पर P इंटू डेल्टा V ना लिखकर क्या लिखेंगे, डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। अब देखो हम मोल निकाल सकते हैं, आपको वेट गिवन है तो नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट कितना है 56 और एटॉमिक वेट आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 56 ही होता है, तो आपके पास कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल। तो n की वैल्यू आपको 1 मिली। अब देखो कैलोरी में आपको वर्क निकालना है, कैलोरी में r की वैल्यू होती है 2 और टेम्परेचर कितना है 300, तो कितना आ जाएगा वर्क आपके पास, 600 कैलोरी, ठीक है। r की वैल्यू अगर आपको कैलोरी में रखनी है तो 2 रखेंगे, और यदि जूल में रखना हो आर को तो 8.314 जूल में लेते हैं, ठीक है, जूल में 8.314 और कैलोरी में आर की वैल्यू को 2 लेंगे, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 600 कैलोरी, ये होगा हमारा वर्क, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है देखिए हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए क्या सही होगा,
ये हमको बताना है, डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो और डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहते हैं। आइसोथर्मल का मतलब होता है, आइसोथर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस की, देखो काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है ना, जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर को कम करोगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और यदि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चेंज कितना होगा काइनेटिक एनर्जी में, जीरो। और जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है आइडियल गैस के केस में। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, जीरो। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एक्सपेंशन इन वैक्यूम शोज। एक आइडियल गैस है, एक्सपेंशन हो रहा है वैक्यूम में, तो आपको ये बताना है इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होगा या वर्क जीरो होगा, हीट जीरो होगा, या फिर ये तीन ऑप्शन सही है। तो देखो एक्सपेंशन में क्या होता है, जब एक्सपेंशन होता है वैक्यूम के अंदर तो वर्क की बात करते हैं, वर्क इक्वल टू क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा पी, एक्सटर्नल प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट वर्क डन कहलाता है। तो वैक्यूम के अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कितना होगा, जीरो। इन वैक्यूम पी एक्सटर्नल इक्वल टू कितना होता है, जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर कुछ लगता ही नहीं है वैक्यूम में, एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम के अंदर नहीं लगता है क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं है वैक्यूम में, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, जीरो। और यदि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना जाएगा, जीरो। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गई। ठीक है ना, वैक्यूम में आपको ध्यान रखना है हीट का एक्सचेंज भी नहीं होता है। इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर चेंज इन हीट कितना होता है, जीरो। सराउंडिंग के साथ, क्योंकि सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं है तो वहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ लगा सकते हो। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन हीट और प्लस वर्क डब्ल्यू। तो हीट कितना है, जीरो, और वर्क भी कितना है क्यू में, जीरो। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो गया, जीरो। मतलब ये भी ऑप्शन सही है। ये डेल्टा ई भी पता है ना, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई से या फिर डेल्टा यू से हम डिनोट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी हमारे पास, फोर्थ। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, एक्सपेंड कर रही है एसटीपी पर और ऑक्यूपाई कर लेती है डबल वॉल्यूम, जो पहले ओरिजिनल वॉल्यूम था गैस का उससे डबल वॉल्यूम हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसने अपने वॉल्यूम को डबल कर लिया है। तो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, इस प्रोसेस में आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। अब देखो क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर वेट दिया हुआ है हाइड्रोजन का, वेट हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन गैस है H2 तो 2 होगा, हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल। और बच्चों एसटीपी पर देखो, एसटीपी पर टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, एट एसटीपी टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और जो कि बराबर किसके होता है 273 केल्विन के। प्रेशर कितना लिया जाता है 760 mm, ये किसके बराबर होता है 180 mm के बराबर। यदि हमको वॉल्यूम लेना हो तो वॉल्यूम लेते हैं 22.4 लीटर, ये होता है एसटीपी पर टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना लिया जाता है 273 केल्विन, प्रेशर कितना लेते हैं 180 mm और वॉल्यूम कितना लेते हैं 22.4 लीटर, ठीक है। अब देखो वर्क निकालना है हमको, वर्क डन, तो वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने, पी इंटू डेल्टा वी। पी वी इक्वल टू क्या था, एनआरटी। अभी हमने लिखा P इंटू डेल्टा V किसके बराबर लिख सकते हैं, डेल्टा NRT के बराबर। तो हम इस P इंटू डेल्टा V की जगह पर डेल्टा NRT रख सकते हैं, डेल्टा NRT। अब बताओ मोल कितना है हमारे पास 0.5 मोल, कैलोरी में R की वैल्यू कितनी होती है 2, टेम्परेचर कितना लेना है 273, तो 1 की मल्टीप्लाई 273 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 273 कैलोरी आंसर, ठीक है ना। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो 273 एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, तो जो अप्रोक्स में आ रही है वैल्यू आप उस पर आंसर पर टिक कर दोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 270 कैलोरी, अप्रोक्सीमेशन में आप अपना आंसर कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइडियल गैस इज केप्ट इन ए 5 लीटर सिलेंडर एट ए प्रेशर ऑफ 15 atm इन 30 मिनट, द गैस इज अलाउड टू एंटर स्लोली इनटू एन इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ 500 लीटर कैपेसिटी, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इज। देखो क्या कह रहा है इसमें, जो आइडियल गैस है उसको कहां पर एंटर किया कराया जा रहा है, इवैक्यूएटेड
वेसल के अंदर। इवैक्यूएटेड वेसल देखो क्या होती है, इवैक्यूएटेड वेसल का मतलब होता है वैक्यूम में, ठीक है ना। आप आइडियल गैस को जो एंटर करा रहे हो कहां पर करा रहे हो, वैक्यूम के अंदर। इवैक्यूएटेड वेसल जब भी लिखा आ जाए इसका मतलब आप गैस को एंटर कहां पर करा रहे हो, वैक्यूम के अंदर। और वैक्यूम में आपको पता है एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, जीरो के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है जीरो, तो वर्क कितना जाएगा तुम्हारे पास जीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, वर्क जीरो होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन में लिखते इवैक्यूएटेड वेसल के अंदर गैस को एंटर कराया जा रहा है, इसका मतलब वैक्यूम के अंदर आप गैस को एंटर करा रहे हो और वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, इसलिए वर्क डन कितना हो गया जीरो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोल रहा है एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 5 लीटर टू 15 लीटर वंस रैपिडली एंड वंस वेरी स्लोली। एक आइडियल गैस को एक्सपेंड किया गया 5 लीटर से 15 लीटर तक, ठीक है ना, दो मेथड से, एक बार रैपिडली और एक बार वेरी स्लोली। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन टू प्रोसेसेस आर W1 एंड W2। जब गैस को रैपिडली एक्सपेंड कराया गया तो तब वर्क डन इन W1, और जब गैस को वेरी स्लोली एक्सपेंड कराया गया तो तब वर्क डन है W2। तो आपको W1 और W2 में रिलेशन बताना है किस प्रकार का रिलेशन होगा। तो देखो रैपिडली जब एक्सपेंशन हो रहा है, रैपिडली एक्सपेंशन, तो इसका क्या मीनिंग है, रैपिडली का मतलब तेजी से हो रहा है, और तेज होने वाला प्रोसेस बताओ रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है। जो प्रोसेस बहुत ज्यादा रैपिडली हो जाए, तेजी से हो जाए, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में रैपिडली में वर्क डन कितना हो रहा है W1, तो ये वर्क इरिवर्सिबल में W1 हो गया। और जो वेरी स्लोली हो रहा है, वेरी स्लोली एक्सपेंशन, स्लोली प्रोसेस कौन सा होता है रिवर्सिबल, तो ये प्रोसेस होगा रिवर्सिबल। और इसमें वर्क डन कितना दे रखा है आपको W2। अब आप मुझे बताओगे इरिवर्सिबल में वर्क ज्यादा होता है या रिवर्सिबल में, तो रिवर्सिबल के अंदर रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से, इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होता है रिवर्सिबल में वर्क डन। तो आप ये कह सकते हो ना W2 इज ग्रेटर देन W1। रिवर्सिबल का वर्क क्या है W2, और इरिवर्सिबल का वर्क क्या है W1। तो W2 ज्यादा होगा W1 से, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हीट एंड वर्क इज दैट, हीट और वर्क के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना है कौन सा होगा। हीट और वर्क क्या होता है आप जानते हो, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के मेथड्स होते हैं। जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो हीट के रूप में हो सकता है और वर्क के रूप में हो सकता है ना। तो अब तो बताना है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हीट अपीयर एट सरफेस ओनली एंड वर्क इन बल्क। दूसरा स्टेटमेंट है, हीट अपीयर इन बल्क एंड वर्क ओनली एट सरफेस, बोथ हीट एंड वर्क अपीयर इन बल्क ऑफ द सिस्टम, बोथ हीट एंड वर्क अपीयर ऑन द सरफेस ओनली। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो हीट और वर्क होता है ठीक है ना, उसको जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हीट और वर्क को, वो केवल सरफेस पर करते हैं दोनों को ही एक्सपीरियंस किया जाता है, वो सरफेस के ऊपर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है फोर्थ होगा, बोथ हीट एंड वर्क अपीयर ऑन सरफेस ओनली। ठीक है, आप याद रखना इसको, हीट और वर्क अपीयर होता है ऑन सरफेस ओनली, दोनों ही, हीट भी और वर्क भी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो For 1 mole of a diatomic gas, gamma is equal to, आपको ये बताना है 1 mole गैस है diatomic गैस, तो उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको गामा की वैल्यू हम बता चुके हैं पहले ही, मोनो एटोमिक गैस के लिए कितनी होती थी 1.66, डायटोमिक गैस के लिए 1.4 और पोली एटोमिक गैस के लिए 1.33 गामा की वैल्यू होती है। मैं लिख देता हूं यहां पर, मोनो एटॉमिक गैस अगर आपके पास कोई है, मोनो एटॉमिक गैस होती है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, तो इन सब के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.66। डायटॉमिक गैस जैसे कि मान लो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.4 और पॉली एटॉमिक गैसेस जो होती है जैसे कि SO2, NH3, CH4, तो इनके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.33। आपको किसके लिए पूछा है, डायटोमिक गैस के लिए गामा पूछ रहा है, तो डायटोमिक गैस के लिए होता है 1.4। अब 1.4 कौन सी वैल्यू है इनमें से, 7/5, जब आप 7/5 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि वर्क से रिलेटेड थे। अब जो वर्क से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कब करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करेंगे। ठीक है ना, जब चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट में एक्सरसाइज के तौर पर, वो हम सब सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है ना, कम से कम उसमें सेट 100 या फिर 150 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, तो वहां पर और ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे इसी से रिलेटेड। आपको वर्क में जब हम डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर वर्क निकालते हैं, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, तो वर्क डन की मैग्नीट्यूड आपको याद रखनी है कि वर्क कौन से प्रोसेस में ज्यादा होता है और कौन से प्रोसेस में वर्क कम होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन डिफरेंट
प्रोसेसेस। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क याद रखना है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या ऑर्डर होता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर वर्क सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, इसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, और सबसे कम होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। ये ना आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क कितना होता है, W इक्वल टू क्या था, P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाता है, जीरो। तो जब चेंज इन वॉल्यूम ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो वर्क कितना आ जाएगा, जीरो। तो याद रखो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क जीरो होता है। अगर हम देखें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के अंदर, तो हमने पीवी ग्राफ देखा था, हमने दो ग्राफ बनाए थे, एक इस तरीके का ग्राफ और एक इस तरीके का ग्राफ, और मैंने कहा था कि जो ज्यादा कर्व आता है वो एडियाबेटिक होता है। एडियाबेटिक का जो ग्राफ है वो ज्यादा कर्व होता है किसके कंपैरिजन में, आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। अब आपको पता है पीवी ग्राफ में वर्क क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो अगर मैं एडियाबेटिक के लिए देखूं, एडियाबेटिक के लिए इतना ये एरिया कवर कर रहा है ये वाला, और आइसोथर्मल इतना एरिया कवर कर रहा है। तो एरिया किसका ज्यादा है, आइसोथर्मल के लिए ज्यादा है, इसलिए वर्क आइसोथर्मल में ज्यादा होगा एडियाबेटिक से, और आइसोथर्मल से भी ज्यादा वर्क किसमें होता है, आइसोबारिक में, ठीक है, जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट हो। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क याद रखोगे आप, ये पहले भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इस ऑर्डर पर। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देखिए क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। एनर्जी को एक रूप से हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, हेडिंग बना लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऑल्दो इट मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमसे, कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को चेंज किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक फॉर्मूला भी देखेंगे हम इसके लिए, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्लू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। डेल्टा यू को क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा यू को हम हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या कहलाता है? हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम पर जो हीट दी जाएगी। डब्ल्यू क्या कहलाता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। और जो ये डेल्टा यू है इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? और डेल्टा ई से, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से या फिर डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा यू को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर डेल्टा यू को बोलते हैं हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या कहलाता है? हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को जो हीट दी जाएगी, या फिर हीट एब्जॉर्ब लिख सकते हो आप, हीट एब्जॉर्ब। और डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर जो वर्क किया गया वो डब्ल्यू कहलाएगा, ठीक है ना। आप इसको फॉर्मूले में इस तरीके से भी लिख सकते हो, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। हीट का सिंबल क्यू होता है, आप कैपिटल से या फिर स्मॉल से लिख सकते हो। तो ये बहुत छोटा सा चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में, ये छोटा चेंज है हीट में, और प्लस वर्क डन डब्ल्यू। आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे? ये जो तीनों टर्म है डेल्टा यू, डेल्टा क्यू और डब्ल्यू, अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इतना, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। अब देखो ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से, या जब मॉलिक्यूल चल रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? किसी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है। ये होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड की वजह से क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी और प्लस इंटरनल एनर्जी, प्लस इंटरनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का सम क्या कहलाता है? टोटल एनर्जी। यदि सिस्टम हमारे पास रेस्ट में हो, इफ सिस्टम इज इन रेस्ट, ठीक है ना। अगर सिस्टम रेस्ट में है तो बताओ इनमें से कौन सी एनर्जी जीरो हो जाएगी? तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, यदि सिस्टम किसमें है? रेस्ट में। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से। जब मॉलिक्यूल मोशन में होगा, सिस्टम आ गया रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। और यदि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यदि एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस है तो वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। एक्सटर्नल फील्ड यदि एब्सेंट है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। तो अब हम क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी? टोटल एनर्जी बराबर होगी इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना।
टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के बराबर कब बोलोगे? जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सिस्टम रेस्ट में होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, मतलब एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस होगी, तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स एटम्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। टेलर, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब या एटम्स हैं सिस्टम के अंदर, उन सब की एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी होता है। मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, ठीक है ना, प्रोटॉन्स हो, तो इन सब की एनर्जी का सम जो होता है इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और बहुत सारी एनर्जी ऐसी होती है जिनको हम सेंस नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी एनर्जी होती है जिनके बारे में हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सब एनर्जीज का टोटल सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है ना, तो जिन एनर्जीज का के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं उनकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी की आप एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बहुत सारी छोटी छोटी एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी की एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहां पर कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते हैं, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, हम एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को? डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, इस फॉर्मूले से जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए कॉपी में। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यह अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। ये ना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इट इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करती है। डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये ना, इस पर डिपेंड नहीं करता जो स्टेट फंक्शन होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। Does not depend on
पाथ, ठीक है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है, जितना भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो सब साइक्लिक प्रोसेस के लिए उनकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इन ए साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, ठीक है ना, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि आप जहां से चलोगे वहीं पर पहुंच जाओगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा सेम, तो चेंज कितना आएगा, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी को और क्या बोल देते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी हो, कैलकुलेशन, तो एक तो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। और आइडियल गैस के लिए देखो, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एन सी वी डेल्टा टी, और यही फॉर्मूला आपने याद करो किसका पढ़ा था, हीट के लिए, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से आप इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हैं, और एन को क्या बोलते हैं यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के मोल के नंबर है। सी वी को क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है सीवी। और डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। तो ये फॉर्मूला आप हीट को निकालने के लिए पहले पढ़ चुके हैं, सीवी मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट को निकालने का फॉर्मूला है, और इंटरनल एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, ये याद रखना। तो एन सी वी डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हो, और ये किसके लिए है फॉर्मूला, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। यदि क्वेश्चन में सीवी की वैल्यू आपको गिवन ना हो, तो आप सीवी का फॉर्मूला जानते हो, सीवी इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई टू आर। इस फॉर्मूले से आप सीवी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पर एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू तीन होती है, फॉर मोनो एटोमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, जैसे कि हीलियम है, नियोन है। एफ की वैल्यू पांच होती है, फॉर डायटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि आपका फ्लोरीन हो गया। एफ की वैल्यू छह होती है, फॉर पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस, जैसे कि अमोनिया हो गया, जैसे कि सी एच फोर मेथेन हो गया, ये ना। एफ की वैल्यू तीन मोनोएटॉमिक गैस के लिए, एफ की वैल्यू पांच डायएटॉमिक गैस के लिए, एफ की वैल्यू सिक्स पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। और जो यहाँ पर आर है, आर इक्वल टू क्या लिखते हो, टू कैलोरी में, और आर इक्वल टू 8.314 जूल में। ये आपको आर की वैल्यू याद रखनी है, कैलोरी में रखनी है तो आर की वैल्यू टू रखेंगे, और जूल में रखनी है तो 8.314 रखेंगे आर की वैल्यू को, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर हम आगे देखते हैं। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इंटरनल एनर्जी के ही। इन केस ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली
ऑन द टेम्परेचर, है ना। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है केवल और केवल टेम्परेचर पर, इसलिए हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आइडियल गैस की, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन है व्हाई इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यह बताना है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है आइडियल गैस की उसको हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्यों मानते हैं। देखो इसका आंसर क्या होगा, जो आइडियल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो उन मॉलिक्यूल्स के पास केवल कौन सी एनर्जी बच जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ भी नहीं होता है। तो मैं लिख देता हूं इसका आंसर आपके सामने, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स सो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल आइडियल गैस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है गैस की। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। तो केवल मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी बचती है, काइनेटिक एनर्जी बचती है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो ये सब बात थी इंटरनल एनर्जी की। अब हम बात करेंगे कुछ हीट की, ठीक है ना। तो फर्स्ट लो में हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, ये क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और इंटरनल एनर्जी या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और यहां पर हमने इसकी बात की इंटरनल एनर्जी की, इस फॉर्मूले में बात करते हैं अब हीट की, इसको कहते हैं हीट चेंज, चेंज इन हीट, और ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, हीट गिवन टू द सिस्टम, यदि सिस्टम को हीट दी जाती है तो आप लोग पॉजिटिव, और हीट गिवन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम हीट दे रहा है तो सिस्टम की हीट कम हो जाएगी तो उसको कैसा लेंगे, नेगेटिव। इस पर कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं हीट को, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एम को बोलते हैं मास, सी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। या फिर Q को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा टी, और एन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ
मोल्स, और जो यहाँ पर सी है ये सी बी भी हो सकता है। अगर आप हीट निकाल रहे हो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो यहाँ पर सी बी रखेंगे, और यदि हम हीट निकाल रहे हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो यहाँ पर सी बी रखेंगे। और सी बी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ बाई टू आर, और यहाँ से आप सी पी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू क्या होता है आर। इस सी बी को इधर लेके जाएंगे तो सी पी इक्वल टू आ जाएगा आर प्लस सी बी, ठीक है। इस तरीके से हम सी पी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ पर हीट की ध्यान रखनी है। अब हम वर्क की बात करते हैं। देखो इस फॉर्मूले में जो डब्ल्यू है ये क्या कहलाता है, वर्क डन, और ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यदि सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव। और वर्क को निकालने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से आप वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो, और वर्क को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख सकते हो, ठीक है। और ग्राफ का वर्क कैसे निकाल सकते हैं हम, यदि ग्राफ में वर्क पूछता है तो वर्क इक्वल टू होता है एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है ना। पीवी कर्व के अंदर एरिया निकाल लेते हैं तो वो वर्क डन कहलाता है। ग्राफ में, ग्राफ में वर्क क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है बच्चों।